हेलो गाइस, मैं हूँ विनोद एंड वेलकम टू इंजीनियर प्लानर। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से सकुलेंट्स के लिए सॉइल मिक्सचर बना सकते हैं और वो भी बहुत ही इजीली। तो सकुलेंट्स के लिए सॉइल मिक्सचर बनाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सकुलेंट्स होते क्या हैं। तो जो सकुलेंट्स होते हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपने लीफ में पानी स्टोर करके रखते हैं, और ये डेजर्ट लाइक एरिया जहाँ ज़्यादातर सूखा होता है ऐसी जगह में उगते हैं, और इसी वजह से हमें इनके लिए ऐसा सॉइल मिक्सचर बनाना होता है जिसमें पानी डालते साथ ही निकल जाए। तो जिसके लिए हमें सबसे पहले लेना है 1 पार्ट कोकोपीट, और स्पेशली सकुलेंट्स के लिए हम होममेड कोकोपीट यूज़ करेंगे क्योंकि जो मार्केट में कोकोपीट का ब्लॉक मिलता है उसे कॉम्पैक्ट बनाने के लिए एडेसिव यूज़ किया जाता है जो कि हमारे प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है। नेक्स्ट हम लेंगे 1 पार्ट कंपोस्ट। मैं यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो लीफ मोल्ड या फिर काउडंग भी यूज़ कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि आप जो भी कंपोस्ट यूज़ करें वो वेल्टी कंपोस्ट हो। इसके बाद हमें लेना है सैंड। ये रिवर सैंड है जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, और क्योंकि हम इसे सकुलेंट सॉइल मिक्स में यूज़ कर रहे हैं तो पहले इसे 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और फिर धूप में सुखाने के बाद ही हम इसे यूज़ करेंगे, और इसे हमें लेना है 1.5 पार्ट्स। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 पार्ट परलाइट, और परलाइट मेजर करते समय आप इसमें जो पाउडर जैसा सब्सटेंस होता है उसे छान कर अलग कर लीजिएगा क्योंकि वो डैमेज्ड परलाइट होता है जो कि हमारे प्लांट्स के लिए कोई काम का नहीं होता। और इसके बाद हमें लेना है एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारे सॉइल मिक्सचर को और भी पोरस बनाने वाला है। तो यहाँ पे मेरे पास है क्ले पॉट पीसेस। तो इसे बनाने के लिए आप टूटा हुआ दिया या फिर अगर आप जब भी पॉट खरीदने जाए तो कुम्हार के पास से टूटी हुई मटकी ले जाइएगा और फिर उसे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लीजिएगा, और फिर इसमें से जो डस्ट निकलता है उसे अलग करने के बाद ये यूज़ करने के लिए रेडी है। और इसे भी हमें लेना है 1.5 पार्ट्स। तो इन 5 चीज़ों को हम यूज़ करेंगे सकुलेंट सॉइल मिक्स बनाने के लिए। मैं आपको एक और बार रिकॉल करवा देता हूँ। एक हिस्सा होममेड कोकोपीट, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट का, 1.5 हिस्सा सैंड जो कि हम वॉश करके ही यूज़ करेंगे, 1 हिस्सा परलाइट और 1.5 हिस्सा बारीक गमले के टुकड़े। और अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अगर हम अपने सॉइल मिक्सचर को इस तरह से मुट्ठी में लेते हैं और मुट्ठी टाइट करते हैं और फिर जब हम मुट्ठी खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा सॉइल मिक्स है वो मिट्टी की तरह ठोस ना होके एकदम रेत की तरह भुरभुरा है, और हमें यही चाहिए कि हमारा जो सॉइल मिक्स हो वो एकदम फ्री फ्लोइंग हो कुछ इस तरह से। तो अगर आप इस सॉइल मिक्सचर को अपने सकुलेंट्स में यूज़ करते हैं तो इससे आपके सकुलेंट्स में ओवर वाटरिंग का चांस रिड्यूस हो जाएगा, जिससे कि आपका सकुलेंट्स और भी हेल्दी ग्रो करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू प्लांट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।